देखिए जरा, अपने पास शेयर कितने हैं? 10,000। कंपनी ने पर ऑफर कितने करे हैं? और जनता ने कितने मांगे? जनता ने 7,100, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आपको टेबल पे जाना पड़ेगा। और शेयर वैसे है कितने का? 100 रुपये का। कह रहा है कि 25 रुपये, 50 रुपये और 25 रुपये, 3 इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ज़रा, पहले टेबल की बात करते हैं। लोगों ने कितने शेयर मांगे? अपने पास शेयर कितने हैं? अब देखिए कैसे कैसे बांटे हैं। कह रहा है 4,000 वालों को 4,000 दे दिए, 3,000 वालों को 1,000। तो इन्होंने 2,000 शेयर पर 25 रुपये एक्स्ट्रा भेजे होंगे, हाँ या ना? 2,000 शेयर एडवांस कैटेगरी के अंदर रखे हैं। याद रखना, ये जो टेबल बनती है ये नंबर ऑफ शेयर्स में बनती है, रुपीस में नहीं बना रहे हम लोग। रुपीस वाली भी बना सकते हैं वैसे। और 100 वालों को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, तो आप इनका पैसा भी नहीं रख सकते एडवांस, आपको लौटाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं टेबल हमारी इक्वल आ गई है। चलिए ज़रा अब बात करते हैं एंट्रीज में। मैंने सारी जनता को 3 क्लासेस में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पर यह क्लासिफिकेशन यहाँ होता है इस एंट्री पे। पहले यहाँ की बात करते हैं हम। यहाँ पर लोगों ने कितने शेयर मांगे? हाँ, 7,100 पर उन्होंने कितना पैसा भेजा होगा? ये तो मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से ही करूँगा भाई। 1,77,500। थोड़ा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है? थोड़ा सा अलग सा है। चलो, फिर जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक डिसीजन लेना था कि टोटल लोगों ने कितने मांगे हैं? 7,100। पर मुझे ये पता है मेरे पास जो शेयर हैं वो 5,000 हैं, तो मैंने 5,000 कैसे बांटे? ये कुछ लोग थे पीले वाले, इन्होंने 4,000 मांगे और मैंने इन्हें 4,000 दे दिए। तो इन्होंने पैसा भी तो 4,000 के हिसाब से भेजा था, तो मैंने पैसा भी 4,000 के हिसाब से रख लिया होगा। इन्होंने मेरे से 3,000 मांगे और मैंने इन्हें कितने शेयर दिए? 1,000 ही दे पाया मैं, ठीक है। इन्होंने 100 मांगे, मैंने इन्हें एक भी शेयर नहीं दिया, तो पैसा भी उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। चलिए ज़रा बात करते हैं। 1,77,500 अपने को एडजस्ट करना है, क्योंकि मैंने ये वाले शेयर बांटे हैं, तो 5,000 × 25 ये पैसा रखने का मैं हकदार हूँ। तो 1,25,000 मैंने कहाँ भेज दिया? शेयर कैपिटल में रख लिया। इनका पैसा पहले मुझे लौटाना पड़ेगा, लौटा दीजिए। कितना आएगा? 2,500 मैंने ये रख लिया। अभी मेरे पास 50,000 बचा हुआ है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 50,000 इसी का गैप है। तो वो जो 2,000 शेयर थे अपने पास, इन 2,000 शेयर्स पर ये वाले 25 रुपये एडवांस में आ रखे हैं, ठीक है? तो अपने पास 50,000 यहाँ बच रहे हैं आज। अब इन सब से बात करो। हाँ जी, हमने कितने शेयर दिए तुम्हें? 1,000 दिए। अच्छा, फ्यूचर में जब इनसे अगली इंस्टॉलमेंट मांगी जाएंगी तो वो 1,000 पे मांगोगे कि 3,000 पे? 1,000 पे। तो बताओ इनसे यहाँ कितना मांगने वाले हैं? यहाँ पर इनसे 50,000 मांगने वाले हैं, ठीक है? और फिर बाद में कितना मांगने वाले? 25,000 फिर बाद में मांगने वाले। तो मैंने 25,000 यहाँ लिख दिया रफली एक। अब तुम बताओ मेरे पास इनके पैसे बच कितने रहे? तो ये 50,000 अलॉटमेंट के नाम से मैं आज रख सकता हूँ, तो इसमें हम रख देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, कितना? 50,000। अच्छा, एक बात बताओ, जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तुम इनसे पैसे मांग लोगे क्या? मांग मत लेना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ये क्या कहेंगे कि हम तो अलॉटमेंट का पैसा पहले ही, जब फर्स्ट कॉल का टाइम आएगा अगर इन्होंने बोला ना नहीं दे रहे, तो तुम मुंह तोड़ देना कि तुम्हारा एडवांस यहाँ तक नहीं था, तुम्हारा एडवांस अलॉटमेंट तक था, चुपचाप से पैसे भेज दो वरना शेयर फॉरफिट कर लूँगा। बात समझ आ रही है? तो पावर दोनों तरफ है बेटे। आओ ज़रा। अच्छा, अगर अलॉटमेंट के टाइम पे तुमने इनसे पैसे मांगे बीच वालों से, तो ये क्या कहेंगे? हम पैसे दे चुके हैं। ये पीले वाले भी ऐसा कह सकते हैं क्या? पीले वाले ऐसा नहीं कह सकते, इनको अलॉटमेंट का पैसा
देना पड़ेगा क्योंकि इनका कोई एडवांस नहीं आया था। बहुत बढ़िया, आओ मेरे कैलकुलेटर में, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस क्या हो रही हैं, भूत तो नहीं है यहाँ आसपास कोई, आओ। कुछ कहा तुमने नालायक, सब सुनता है मेरे को, ओ जुबान संभाल के आओ बेटा। अलॉटमेंट, ए मजाक नहीं, अलॉटमेंट ड्यू करो, ध्यान रखना बस ये पहली एंट्री में काम आता है, उसके बाद कुछ नहीं है, बेकार। 5,000 × 50 कितना आएगा रे? 2.5 लाख आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2.5 लाख में से ऑलरेडी कितने आ गए हैं? तो तुम्हारे हिसाब से कितने आने चाहिए? पर क्वेश्चन कह रहा है इतने ही मिले हैं बस, तो जितने मिले हैं उतने ले लो ना, यहाँ पर आपकी मर्जी है, कॉल्स इन एरियर यहाँ भी खोलना है खोल दो, ऐसा नहीं है एरियर वहीं खोल सकता है, यहाँ भी खोल सकते हैं, हमारी मर्जी। 2 लाख ही तो आना था, पर आया कितना है? तो कितना नहीं आया? 15,000 नहीं आया। ये किसने नहीं दिया होगा? पीले वालों ने, हाँ या ना, ये वाले दे चुके हैं, ये देंगे ही नहीं, इनको तो तुम छेड़ना भी मत, ये तो वैसे लाल होके बैठे हैं, हाँ या ना। तो ये पीले वालों ने, कितनों ने नहीं दिया? नंबर ऑफ शेयर भी तो पता लगने चाहिए, नंबर ऑफ शेयर कितने थे जिस पर हमें अलॉटमेंट नहीं मिली? 15,000 को डिवाइड कर दो इससे। अरे अगर एक शेयर पे 50 रुपये आने थे और टोटल 15,000 रुपये नहीं आए हैं, तो इसे 50 से डिवाइड कर दो, तो 300 शेयर पर हमें अलॉटमेंट। अच्छा चलो इनमें से किसी एक को बना देते हैं डिफॉल्टर, बताओ कैसे बनाऊं? इसे बना दूं? ये लो, ये दोनों हैं, इनके पास कितने शेयर हैं? इन दोनों ने 300 शेयर पर नालायकों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल मांगो, 5,000 × 1,25,000, इस 1,25,000 को यहां पर क्रेडिट कर दो। क्वेश्चन में लिखा है कितना पैसा मिला? 1,15,000 मिला, तो कॉल्स इन एरियर में ले लो बाकी, तो अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर बताओ, 10,000 डिवाइडेड बाय, यानी कि 400। अब मेरा एक सवाल है, ये जो 400 वाले बंदे हैं इनके अलावा है या वो 300 इसके अंदर घुसे हुए हैं? 300 डेफिनेटली इसके अंदर होंगे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने अलॉटमेंट ना दियो और फर्स्ट कॉल दे दियो, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, इनके पास कितने शेयर बताए थे? तो जो 100 वाला है वो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया, सब ठीक है? अरे हुआ क्या, आवाज आई? चलो भाई, तुम लोग भाई टीचर हो, कुछ भी सिखा सकते हो। हाँ तो मैं कह रहा था 100 वाला एक नया डिफॉल्टर ऐड हो गया, अब जो 100 वाला है बताओ किस में से मानूं? चलो मैं इसे ले लूं, ये लो, इसके पास कितने शेयर बताए थे? 300, और इसके पास कितने हैं? 100, तो डिफॉल्टर मिल चुके हैं अपने को, ठीक है। आओ जरा, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? अब जरा क्वेश्चन में देखो, फॉरफीचर का क्या हिसाब किताब है? कह रहे डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफीट दोज शेयर्स, कौन से शेयर? जिन पर अलॉटमेंट नहीं मिली है। मैंने 2 डिफॉल्टर यहां से लिए थे और 1 डिफॉल्टर यहां से लिया था, ये लिए थे, इनके पास कितने शेयर बताए थे मैंने? 300, और इनके पास 100। तो कह रहा है डायरेक्टर्स ने ये वाले शेयर फॉरफीट करें, बस तो करा दो फॉरफीट, क्या हो गया, कोई बड़ी बात है? शेयर कैपिटल डेबिट, कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर, 300 शेयर अपन लोग यहां पर फॉरफीट कर रहे हैं, 300 पर कितना? 300 पर 100। कॉल्स इन एरियर जरा ध्यान से सुनना, कॉल्स इन एरियर 15,000 का तो ये रहा और 10,000 का ये रहा,
ये वाला 15,000 तो पूरा का पूरा यहां पर क्रेडिट होगा ही होगा, ये पूरा क्रेडिट नहीं होगा। इसके अंदर से खाली 300 शेयर वाला ही तो हटाएंगे, हाँ या ना? तो 300 शेयर का बनेगा 7,500, यानी कि टोटल अमाउंट कितना आ गया 22,500, और यहां पर कितना आ गया 7,500। हाँ हाँ सुनो, नहीं हम तो दोबारा करेंगे, हम दोबारा करेंगे, बात खत्म, हम सुन ही नहीं रहे किसने क्या कहा है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये इनसे बिलोंग करता है, हाँ या ना? पर ये वाला इनसे भी बिलोंग करता है और थोड़ा इससे भी बिलोंग करता है। अच्छा, ये 15 का 15,000 इन्हीं का है, और मैंने यही वाले शेयर यहाँ पर फॉरफिट करने हैं आज, तो ये पूरा का पूरा 15,000 मैं यहाँ पर क्रेडिट तो करूँगा ही, पर ये पूरा 10,000 मैं यहाँ क्रेडिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये दो डिफॉल्टर्स का है और मैं खाली इसके शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ अभी बस। तो इसमें से 300 का निकाल लो ना, 300 का कितना बनेगा 7,500, तो 7,500 इसी के अंदर ऐड कर दो, और यहाँ पर 7,500 जो मिल गए थे, अब ये कैसे निकालूँ 7,500, हाँ 300 × 25, समझ आ गई ये बात? चलिए ये हमने कर लिए हैं फॉरफिट। रीइशू क्या है कुछ हिसाब किताब? भाई रीइशू कर ही नहीं रहा तो हम लोग कहाँ से करेंगे? सही है। अब जरा अगर बैलेंस शीट की बात की जाए, मांगी तो है नहीं पर कर लेते हैं 5 मिनट बाद, बैलेंस शीट में क्या हिसाब किताब होगा, मार्केट में क्या कंडीशन है, मार्केट में टोटल शेयर कितने डाले थे 5,000 डाले थे मार्केट में, 5,000 में से कितने निकाल लिए हैं वापस 300 निकाल लिए हैं वापस, 300 वापस निकाल लिए हैं, हाँ या ना? तो अभी यहाँ पर कितने रह गए 4,700, इनकी दो कंडीशन है, 4,600 तो शुद्ध हैं, इनकी क्या कंडीशन है बताओ? ये लोग 100 में से 100 दे चुके हैं, पर 100 वाला बंदा, ये 100 में से इसने ये नहीं दिया है, तो 75 तो दे दिया, इसका ये वाला फिर अच्छी वाली कैटेगरी में दिखाई देगा और ये वाले बेकार वाली, जो दूसरी वाली कैटेगरी होती है। चलो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी भाई, बताओ लिखो, हाँ 46 × 100, तो ये कितना आ गया 4,60,000, 100 × 100 कितना बनता है 10,000, माइनस कॉल्स इन एरियर कितने का है 2,500 का था जो इसी के अंदर छोड़ के आए थे हम लोग, तो वो 2,500 इसमें से हटा दो 7,500, उसके बाद यहीं पर नीचे लास्ट में जाके फॉर फ्यूचर का कितना आएगा, जितना हमारा अमाउंट था वो सारा का सारा 7,500 आ जाए, और तीनों का टोटल ऊपर चला जाएगा इसके अंदर। सही है, समझ आ रहा है? बच्चा ये कह रहा है, एक बंदा है उसके पास 400 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट मान लो 4 रुपये की थी, उसने 3 रुपये दे दिए, 1 रुपया नहीं दिया, यही कह रहे हो ना तुम? ऐसा एडवांस के केसेस में आएगा फ्यूचर में, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? वैसे नहीं होगा कि वो इंस्टॉलमेंट ही आधी भेजे, ऐसा नहीं होगा।